PNews, सिर्फ सच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के दौरे का दूसरा दिन काफी व्यस्त रहा। उन्होंने अस्पताल, थाने व ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का निरीक्षण किया। योगी को कंठ थाने कुंभ में सलामी दी गई। थाने के निरीक्षण के बाद उन्होंने पुलिस को जनता के लिए मित्र बनने की सलाह दी और पुलिसिंग में सुधार के लिए तारीफ। सार्थक दिशा में प्रयास है और अच्छे सुधार की गुंजाइश है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही सौहार्दपूर्ण और मित्रवत होना चाहिए, जिससे आम जनता का विश्वास जीता जा सके। बाद में वह दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल गए। यहाँ अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिले। अस्पताल में हुकुलगंज निवासी तीमारदार के साथ बरामदे में बैठी 8 वर्षीय प्रिया एवं 6 वर्षीय शिवा को देख उनके कदम रुक गए और उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या आप लोग स्कूल जाते हैं। पिता ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए बताया कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चों का सिर सहलाते हुए कहा कि जो बच्चे पढ़ेंगे वही बड़े आदमी बने। सेंटर में काफी देर लग रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और 400 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। माना जा रहा है कि अगले महीने प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के सरस्वती फाटक में करंट करने से अफरा तफरी मच गई। कई लोग झटके खाकर गिर गए। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं को गेट से दूर किया। आनंद फानंद में बिजली आपूर्ति बंद की गई। शाम 4 बजे खराबी दूर की जा सकी। आजमगढ़ के बरसहा गांव पोस्ट निवासी 26 वर्षीय राजेश यादव पुत्र प्राप्त की कामना से लोलार्क कुंड में स्नान करने आया था। कुंड में स्नान करने के बाद सीढ़ियां चढ़ते समय उसकी हालत ऐसी बिगड़ी की ट्रामा सेंटर ले जाते हैं। लोलार्क कुंड में आस्था वालों की भारी भीड़ हुई। संतान की जांच से हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। लोक मान्यताओं के अनुसार लोलार्क षष्ठी पर दंपति द्वारा एक साथ स्नान से संतान का सुख प्राप्त होता है। दरगाह को लोलार्क षष्ठी के अवसर पर रवींद्र कॉलोनी स्थित बिना राम स्थल के भक्तों की अपार। इस अवसर पर भक्तों ने अघोर बीच के बीच अधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी का आशीर्वाद लिया। राजपाल यादव काशी विश्वनाथ पहुंचे और विधि विधान से बाबा का दर्शन पूजन किया। मीडिया से बातचीत में बताया कि जल्द ही काशी पर एक फिल्म बनाएंगे। मड़ुआ देवथाना क्षेत्र के बुल्लनपुर में महिलाओं ने एक चिट फंड कंपनी के एजेंट को घेर लिया। महिलाओं का कहना था कि कंपनी समय पूरा होने के बाद भी भुगतान नहीं कर रही है। कंपनी एजेंट कैलाश उपमुन्ना निवासी बुल्लनपुर को पुलिस लेकर थाने गई।